जी वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तैयार ईद की तैयारियाँ शुरू चल रही हैं और मेरे घर वालों ने मुझे ना ऐसा समझ लिया जैसे कि मैं कोई नौकर हूँ घर का। सारे के सारे मुझसे पंखे साफ़ करवाए हैं खड़े होके, मतलब इंसान का कद भी बढ़ाना हो कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। कल मैं बाजार गई तो मैं देखा आंटियाँ ऐसे टूटी पड़ी थी, मतलब इतनी महंगाई है, इतनी गुर्बत है, फिर भी बाजारों में इतना रश कैसे है यार, कैसे, मुझे ये समझ नहीं आती। तो फाइनली आज मेरे कपड़े सपड़े सब कुछ स्टिच हो गए हैं, तो आज मैं लोगों को दिखा रही हूँ अपने ईद के कपड़े और अपनी ईद की शॉपिंग। थैंक यू सो मच अदीना चौधरी फॉर वॉचिंग माई ऑल द ब्लॉग्स। और दूसरा मेरी एक दुश्मन है, उसका नाम आमना है, तो उसका भी बहुत शुक्रिया कि अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करती है यार। रोजे रख रख के मेरी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी पिन्नी हो गई हैं। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी चूड़ियाँ हैं, एक ऑरेंज कलर की हैं, ग्लिटर्स के ऊपर लगे हुए हैं, और ये जो है ये वेलवेट के अंदर है। दूसरी जो है वो पर्पल कलर में, इन पे भी ग्लिटर्स लगे हुए हैं और ये भी वेलवेट की हैं। थर्ड वन ये भी वेलवेट में है बट ये सिंपल सी हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, बल्कि मैंने ना एक रिंग ऑर्डर की थी, मैं ये सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ से जनवरी से एक रिंग ऑर्डर की थी सिल्वर के अंदर, तो हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यार मसला ये है कि मेरे पास ना एक कैमरा मैन है, वो बहुत ही मनहूस है, उसे जब तक 50 रुपये की लालच ना दो ना तो वो वीडियो शूट नहीं करता। और ये बड़े मेरे लिए मुशक्क़त का काम है कि मैं एक हाथ से पकड़ती हूँ दूसरे हाथ से चीज़ ओपन कर रही हूँ। तो यार इनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा प्रीमियम की किस्म की है, अच्छी है। देखें एक ये बॉक्स इसके अंदर से, ये अच्छा एक और भी है पेज ऐसे भेजे में जैसे हम लोग एफिडेविट बयान हल्फी लिया है मेरे से। तो यार इसके अंदर इसके प्राइस लिखे हुए हैं कि हमें ये कितने पैसों की मिली है और ये क्या कौन सी है। चलो इसको छोड़ो, हमारे लिए कार्ड बहुत अच्छा है, इसमें है तो कुछ नहीं बस खाली। ओ लो इतना खोदा पहाड़ निकला, चूहा वो भी मरा हुआ, इसके अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकला है। सो लेट्स ओपन इट। तो यहाँ ओपन किया और ये मेरी रिंग है। तो यार ये बहुत खूबसूरत सी रिंग है और इसके अंदर स्टोन भी जो है वो बहुत अच्छा है, जरकॉन है शायद, मुझे नाम शाम तो आते नहीं है लेकिन बट मुझे लगता है ये जरकॉन है, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखा दी रिंग और अपनी चूड़ियाँ, इसके बाद ओपन करते हैं। इसके अंदर है मेरी मेरा एक पर्पल ड्रेस है ना जो ये इस वाले के साथ, ये पर्पल कलर की चूड़ियाँ ये इस तरह की, ये इसके साथ की, ठीक है। अभी मैं ड्रेस आपको दिखाती हूँ। सेकेंड वन जो है मेरे पास ये ऑरेंज कलर का मेरा ड्रेस है, उसके साथ का ये सो प्रिटी। ये मुझे एक पीआर आया, पता नहीं कहाँ से आया है, अभी मैं इसको मेंशन करूँगी, देख के मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई गिफ्ट सेंटर का गिफ्ट स्टूडियो टाइप का, उसके तो हम इसको ओपन करेंगे। मैंने इसको वैसे पहले तो ये इसका ऑर्डर डिलीवर हुआ है तो ये उसके अंदर था, जैसे डिलीवरी वाले जो रैपर रैप होता है उसके अंदर, मैंने निकाल लिया। अभी थोड़ी देर तक इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इससे पहले मैं आपको अपनी ईदी सीधी दिखा दूँ ना। सेकेंड वन ये वाला बॉक्स है, इसमें मैंने अपनी सारी ज्वेलरी सेट कर रखी है। आपको पता है मैंने पहले ज्वेलरी की बनाई भी थी तो मैंने इसके साथ मैचिंग की चीज़ें अपनी निकाल के रख ली थी, जो जो चीज़ें इसके साथ मैच हो रही थी मेरे ड्रेस के साथ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं पहनी नहीं है। और ये वाला नेकलेस बहुत अच्छा लगेगा मेरे ड्रेस के साथ तो मैंने ये निकाला है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने शूज़। तो यार ये मेरे शूज़ हैं गुस्सा ऑरेंज कलर के ड्रेस के साथ, और दिस वन ये वाला जो पर्पल है शूज़ ये पर्पल ड्रेस के साथ है, ये जो गुस्सा इसके। अब पर्पल वाला जो मेरा ड्रेस है ये मैंने लिया था खाड़ी से, ये टू पीस था, फ्रंट इसका बहुत अच्छा है क्योंकि मैं अभी ये नहीं ओपन कर रही क्योंकि अभी सब कुछ दिखा दिया तो ईद पे क्या करेंगे। तो ये पर्पल कलर के अंदर है और अभी इसके साथ शलवार मैंने खुद मैच की। सेकेंड वन जो मेरा ड्रेस है वो ताना बाना से है और अनस्टिच लिया था, ये स्टिच होके आ गया है। यार इसका कलर बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी बताया फुलकारी पर ताना बाना, ये मैंने इसके ऊपर इसका कवर और लगाया क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो बट ये ताना बाना का है, ठीक है। अब यार वैसे मेरी फैमिली वाले कोई भी इतने अच्छे नहीं है जो मुझे ईदियाँ शीदियाँ भेजे, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे ईदी रिसीव हुई है, ये फोर वो मुझे रिसीव हुए हैं इनवेलप्स, पता नहीं इसमें कितनी कितनी ईदी है, ये ना निकले 100-100 रुपया
बट अभी मैंने इनको ओपन नहीं किया, मैंने सोचा था कि आप सबके साथ ओपन करूँगी, शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी फूफो ने भेजी है। एक सेकंड। और इसको ओपन करते हैं, दिस वन। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नकली तो नहीं है यार? मैं नहीं मानता। नहीं नहीं बिल्कुल असली है। अच्छा सेकंड वन ये मुझे रिसीव हुआ है, ये भी मेरी फैमिली मेंबर्स में से है। पांच ज़्यादा नोट मतलब सारे गैरत आ गई है। अच्छा चल झूठा। थर्ड वन ये इनवेलप है मेरे पास, 1500 रुपये। चलो कोई नहीं, अभी मेरे पास हो गया 10,100 मतलब 10,000 बल्कि 11,500 रुपये। मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता यार। एंड लास्ट वन दिस वन, इसमें से भी 5,000 निकला, मतलब मेरे पास 16,500 रुपये की ईदी अब तक इकट्ठी हो गई है। जिस जिसने मुझे ईदी देनी है वो मुझे भेज सकता है, मेरा अकाउंट नंबर मेरे से लेके कमेंट में बोल दे, मैं अकाउंट नंबर से भेज दूँगी। जिस चीज़ से ईदी देनी है दे दे मुझे अभी से, ताकि मैं ईदी से अपनी कुछ ले तो लूँ ना, तो ज़ाया तो ना। और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आ रहे, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। बेल आइकन को प्रेस किया करें, शेयर किया करें वीडियोस को, जो देखते हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़। एक चमेली का पौधा लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा हो गया, और इस दफ़ा फर्स्ट टाइम इसके ऊपर फ्लावर्स भी लगे हैं। तो यार आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ईद की शॉपिंग कैसी लगी, और आपने ये बताना है कि आप लोगों ने शॉपिंग कर लिया है कि नहीं की, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा दूसरा मैंने लगाया था ये एलोवेरा का, और ये बहुत बड़ा हो गया अभी, क्योंकि सीज़न है ना डस्ट वगैरह का, गंदम की कटाई हो रही है, हमारी भी हो गया, मैं क्लिप लगाऊंगी इसके बाद, तो वो सारे डस्ट डस्ट वाला इन्वायरमेंट हुआ हुआ है, सांस लेते हुए भी डस्ट डस्ट सी फील हो रही है, ये काफ़ी बड़ी हो गई है। तो यार आज हम लोग बना रहे हैं लौकी और चने की दाल, और लौकी श्री मतलब कद्दू श्री। तो मैंने टमाटर मिर्च में प्याज वगैरह काट लिया है, और कुकर के अंदर अभी दाल बॉयल हो रही है, इसके बाद बनाते हैं। दाल और लौकी शेप हमारे बन रहे हैं, और ये रेसिपी वन एंड ओनली मेरी है, मैंने खुद से बनाई है। तो यार हमारी अफ्तारी रेडी है, सब कुछ फ्राई वगैरह कर लिया, आलू वाले चावल भी बना लिए, और हमारे चने की दाल और लौकी शेप भी बन गए। मुझे दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़ भी मानी।